रेवाड़ी में आज बुधवार को शहर के ऐतिहासिक मोती चौक पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डीसी अशोक कुमार गर्ग ने किया। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। होप क्लब रेवाड़ी की ओर से हर साल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार शहर के मोती चौक पर शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवा ब्लड डोनेट करने पहुंचे। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि शहीद देश की धरोहर होते हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। होप क्लब के प्रधान ने कहा कि चार साल पहले पुलवामा में आतंकियों का निशाना बने 40 वीर शहीदों को देश और दुनिया में आज भी याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने शहीदों की शहादत का बदला कुछ ही दिनों के भीतर ही ले लिया था। उन्होंने कहा कि पूरा देश पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। कैंप लगाया शहीदों के सम्मान में। ये होप क्लब ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया वास्तव में काबिले तारीफ है। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और ब्लड से बड़ा कोई डोनेशन नहीं हो सकता। पता नहीं बहुत से लोगों की जान बचाने के काम आएगा। ये जो होप क्लब है बधाई के पात्र हैं और बहुत ज़्यादा मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से जनसेवा काम करते हैं। ऐसे कार्य में और भी सामाजिक लोग आगे आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए और पूरे समाज को आगे आना चाहिए। पहले हमारे दिमाग में भ्रांतियाँ होती थी खून देने से कमजोरी आ जाती है, अब साइंस ये कहती है खून देने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो सभी लोगों को आगे आना चाहिए।